चटपटी और मसालेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाइए और हर एक न्यूज सबसे पहले पाइए। भोजपुरी फिल्मों के सबसे चर्चित अदाकारा अक्षय सिंह के एक ताजा बयान ने जैसे कि सोशल मीडिया पर भूकंप ही मचा रखा हो और सोशल मीडिया पर अक्षय सिंह के लोग जमकर तारीफ करते नजर आ रहे हैं। दरअसल मामला सीबीआई की विशेष अदालत ने सोमवार को डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख बाबा गुरमीत राम रहीम को अपनी दो शिष्याओं के साथ दुष्कर्म करने और आपराधिक धमकी के अपराध में करीब 20 साल की कैद की सजा सुनाई है। बाबा राम रहीम को दो साध्वियों के साथ रेप के आरोप में 10-10 साल की अलग अलग सजा भुगतनी होगी। साथ ही साथ कोर्ट ने बाबा राम रहीम पर 30 लाख का जुर्माना भी ठोका है। इस पर अक्षरा सिंह ने कहा है कि ऐसे बाबाओं पर कार्रवाई करके सरकार और हमारी सीबीआई ने बहुत ही अच्छा काम किया है। हम जितनी भी सीबीआई की तारीफ करें वो कम है और ऐसे पापी बाबाओं से हमें बच के रहना चाहिए और अपने फैमिली को भी बचा के रखना चाहिए। साथ ही साथ अक्षरा सिंह ने कहा कि सबसे बड़ी सेवा हमें अपने माता पिता की सेवा ही हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य होना चाहिए। इन बाबाओं के चक्कर में हमें नहीं आना चाहिए। आपको बताते चले कि सीबीआई की विशेष अदालत के न्यायाधीश जगदीश सिंह ने रोहतक के पास सुनरिया की जेल के पुस्तकालय में बनाई गई अदालत में यह ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। सीबीआई के विशेष अदालत द्वारा बीते शुक्रवार को बाबा गुरमीत राम रहीम को 1999 में अपनी दो शिष्याओं के साथ दुष्कर्म करने और आपराधिक धमकी देने के दोषी करार दिए गए थे। मामले में शिकायतकर्ता 2002 में ही एफआईआर दर्ज हुई थी। बचाव पक्ष के वकील ने जहां दुष्कर्मी के दोषी डेरा प्रमुख बाबा राम रहीम को सामाजिक कार्यकर्ता और खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए न्यूनतम सजा की मांग की थी, लेकिन सीबीआई की विशेष अदालत ने बाबा राम रहीम के वकील की यह दलील ठुकरा दी और उन्होंने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाकर 20 साल की कैद की सजा सुनाई है।